हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एसटी मिश्रा पोखरण ब्लॉग्स में आपका ढेर सारा तहे दिल से वेलकम है फ्रेंड्स। मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे मैंने ये जो रात को मतलब भिगा के रखे हुए थे ये बादाम हैं, किशमिश वगैरह, तो इसको मुझे पीसना है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह नाश्ते का टाइम हो रहा, तो हैप्पी को मैं देती हूँ, इनको देती हूँ सुबह दूध, और दूध के साथ मिला के देती हूँ। तो मैं तो ये नहीं खाऊंगी, बट इनके लिए और हैप्पी के लिए फ्रेंड्स मैं ये डेली ही करती हूँ। और ठंडियों का मतलब टाइम है तो फ़ायदा भी करते हैं, गर्मियों में तो कोई खाएगा नहीं। और मैं ये सब कुछ नहीं खाती हूँ, तो मैं अपने लिए मखाना फ्राई कर रही हूँ, तो ज़्यादा कोई नहीं खाएगा, सिर्फ अपने लिए ही मैं मखाना फ्राई कर रही हूँ। बाकी सो फ्रेंड, चाय नाश्ता हमारा हो गया था, और हमने आज वॉश किए थे कपड़े, ढेर सारे कपड़े वॉश किए थे। और मौसम भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा खासा अब हो गया है, धूप अच्छी खासी निकलती है, तो कपड़े बहुत आसानी से एक दिन में ही सूख जाते हैं। पहले तो 2-3 दिन लगते थे सुखाने में, लेकिन अब नहीं, अब तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं कपड़े हमारे। तो धूप अभी तो धूप नहीं निकली है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, साढ़े सात का टाइम होगा, और धूप अभी नहीं निकली थी। हवा बहुत अच्छी खासी चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा। तो जो सर्दी भी है तो वो सिर्फ सुबह और शाम की ही रह गई, ये ठंडी भी अब खत्म हो गई है। दिन भी काफी अच्छा खासा समझ में आने लगा है, नहीं तो समझ में नहीं आता था कब सुबह से शाम हो गई, और ठंडी करते करते बस मतलब जड़ाते ही रहते थे बिल्कुल। तो अब तो मौसम अच्छा खासा है, काम बहुत अच्छे खासे से करते बनता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कपड़े वगैरह वॉश किए थे, क्योंकि जैसे कि हैप्पी की जैकेट वगैरह बहुत सारी निकली हुई हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनको धीरे धीरे वॉश कर लूँ, और इसको मैं रखती भी जाऊँगी साथ साथ में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स, कपड़े बहुत सारे अब निकले हैं, तो ये लगता है जल्दी जल्दी इनको रख दूँ। और ये ब्लेजर वगैरह मैं पहन के गई थी कानपुर, तो ये भी मैंने अपने हाथों से वॉश किया है, तो अभी मैं इसको भी मतलब प्रेस वगैरह करके इसको भी रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने वीडियो में मतलब हमारे जो भागवत हुई थी हमारे मोहल्ले में, तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए थे, तो वो वीडियो हमारे अभी ऐसे ही रखे हैं, नहीं मैं डाल पाती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ छोटी छोटी सी जो क्लिप हैं वो इसमें ऐड करती जाऊँ। तो हमारे भागवत में इतना अच्छा एक भैया ने डांस किया था, हैप्पी ने भी डांस किया था, वो कुछ मैंने ऐड नहीं किया है, आपके साथ शेयर नहीं किया है, तो बस छोटी छोटी सी जो क्लिप है मैं इसी में आज जोड़ दूँगी, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बना के रखी हैं, तो लगता है कि चलो दिखा देते हैं आपको। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे न्यू आ रहे हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को ज्वाइन किया करो, और एक लाइक ज़रूर किया करो, एक लाइक में कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा जो भागवत का डांस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। Thank you.